हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी का लेसन प्लान बनाएंगे। हमारे हिंदी के 31 लेसन प्लान हो चुके हैं। ये हमारा लेसन प्लान नंबर 32 है, यानी 32, पाठ्य योजना क्रमांक 32। और हम इसके और भी वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि हमने जो NIOS का प्रोजेक्ट वर्क है 514 प्रैक्टिस टीचिंग, उसमें जो आपको 10 पाठ्य योजना बनाना है उसके लिए भी हमने एक 10 लेसन प्लान की PDF के साथ एक वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपने देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए। अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पर उनका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले हम पाठ्य योजना का क्रमांक डालते हैं, फिर इस तरीके से हम ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाते हैं जिसमें नाम, स्कूल का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, दिन, समय और कालखंड हम डालते हैं। इसमें जो NIOS से DLED कर रहे हैं वो शिक्षक प्रशिक्षु का नाम लिखेंगे नाम की जगह। बाकी सारे जो DLED, BEd और BTC के स्टूडेंट हैं वो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। शाला के नाम में जो NIOS से DLED कर रहे हैं वो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। बाकी सारे जो भी स्टूडेंट हैं वो जिनको जो भी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा उसका नाम लिखेंगे। फिर कक्षा 4 का प्रकरण है विषय हिंदी और प्रकरण है हमारा रानी दुर्गावती। और दिनांक, समय, कालखंड ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालें जिस भी दिन आप प्रस्तुतिकरण करें। और समय जिस भी ना भी आपका पीरियड हो 35 मिनट का या 40 मिनट का, और कालखंड जो भी हो पहला, दूसरा, तीसरा। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं। यहाँ पे हमारा हिंदी विषय है और सामान्य उद्देश्य हमारे सभी पाठ्य योजना के लिए एक समान होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पूर्व अनुसार लिखा हुआ है। आप चाहें तो यदि आपको लिखना है अनिवार्य है तो आप प्रीवियस वीडियो से जाकर लिख सकते हैं, और वरना आप हमारी तरह पूर्व अनुसार भी लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। हमने हमारे प्रकरण से संबंधित 8 विशिष्ट उद्देश्य लिखा है कि छात्र रानी दुर्गावती के व्यक्तित्व का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र या विद्यार्थी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, उसमें छात्र छात्राएं दोनों आ जाएंगी। इनके जीवन की महत्ता को अंकित कर सकेंगे, रानी दुर्गावती के विचारों को क्रमबद्ध कर सकेंगे, रानी दुर्गावती की विभिन्नता अन्य लोगों से कर पाएंगे। इस तरीके से हमने 8 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं। उसके बाद आता है आवश्यक सामग्री, यानी कि हमें क्या सामग्री की आवश्यकता है। तो कक्षा उपयोगी सामग्री जिसमें कि ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर सब आ जाते हैं। फिर सहायक सामग्री, यानी कि जो आवश्यक तो नहीं है लेकिन हम सहायता के रूप में ले सकते हैं, जो हमें प्रस्तुतिकरण में मदद करेगी, बच्चों को सीखने के काम आएगी। तो लपेट चम्पट जिसमें हम कुछ लिख कर ले जा सकते हैं, चित्र भी बना कर ले जा सकते हैं, और चित्र जो हम चार्ट वगैरह जिसे हम रानी दुर्गावती का चित्र बना कर ले जा सकते हैं, और भी जो पाठ में वर्णित चित्र हैं वो बनाकर ले जा सकते हैं। पूर्व ज्ञान, रानी दुर्गावती के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उन्होंने चित्र देखा हुआ है उनका कहीं, या सुना हुआ है, या उनके शहर के आसपास ही रानी दुर्गावती का शहर है, इस तरीके से सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, और आप हमने यहाँ एक ही लिखी हुई है, आप यहाँ पे प्रश्न उत्तर विधि भी लिखें। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि प्रस्तावना, जिसमें हम क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार, या प्रशिक्षु शिक्षक व्यवहार, या शिक्षिका व्यवहार, या विद्यार्थी व्यवहार, इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ प्रश्न उत्तर के माध्यम से उनसे प्रस्तावना के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम पूछेंगे बच्चों हम कौन से देश में रहते हैं, तो वो बताएंगे, हाँ नाम पूछेंगे, फिर हम वो बताएंगे भारत देश, इस तरीके से हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, इजी वे में करेंगे जिसमें हम वो उत्तर दे पाए। फिर उसके बाद जब वो रानी दुर्गावती तक आ जाएंगे, यदि ना आ पाए तो समस्यात्मक प्रश्न है, लेकिन उनके पूर्व ज्ञान में ही हमने लिखा हुआ है कि वो परिचित हैं, यानी हम उन्हें पहले कभी उनसे परिचित करवा चुके हैं, इसलिए वो आंसर दे पाएंगे। फिर उसके बाद हम पाठ की प्रथम अनुविनती पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब पाठ बहुत बड़ा होता है तब हम उन्हें अनुविनतियों में बांट देते हैं, जैसे आज हमने थोड़ा पढ़ा लिया,
फिर बचा हुआ पाठ हमने कल पढ़ा लिया। इस तरीके से तो हम आदर्श वाचन करेंगे। सबसे पहले आदर्श वाचन में शिक्षक द्वारा पाठ को पढ़ा जाता है, जिस भी लहजे से पाठ को पढ़ना है। फिर उसके बाद उसी लहजे में पूर्ण विराम, कौमा, इस तरीके का जो उपयोग करके हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसी तरीके से बच्चों से अनुकरण वाचन कराना है। इस समय हमारा जो क्रिया होगी वो ये होगी कि हम बच्चों को सुनेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे कि वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, और यदि उन्हें पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो हम वो भी उन्हें वहाँ पे बताएंगे। फिर काठिन्य निवारण, जो भी हमने पाठ पढ़ा और बच्चों ने पढ़ा उसमें जो कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ बच्चों को हमें लिखवा कर याद कराने पूर्ण मतलब याद कराने योग्य शब्द हैं, उनका हम ब्लैक बोर्ड पर काठिन्य निवारण करेंगे। फिर स्वसर वाचन, एक बार और हम उस पाठ को पढ़ेंगे और उसका भाव विश्लेषण करेंगे, यानी अर्थ बच्चों को समझाएंगे। फिर उसी प्रकार द्वितीय अनुविनती, जिसमें हम आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण, स्वसर वाचन और भाव विश्लेषण उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने पहले किया। फिर श्यामपट सारांश, इसमें हम जो भी हम श्यामपट पर कार्य करेंगे पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान, उसका सारांश यहाँ पे हमें ब्लैक कार्ड शीट पर ऐसा बनाकर लगाना होता है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें हमने दो पुनरावृत्ति प्रश्न किए हुए हैं। आप यहाँ पे जैसे रानी दुर्गावती का चित्र दिखा रहे हैं या जो भी आप सहायक सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको पाठ्य योजना में लगानी होती है। फिर कक्षा कार्य, इसमें जो भी आप कक्षा में कार्य करने के लिए बच्चों को देंगे। गृह कार्य, हमें बच्चों को गृह होमवर्क देना होता है वो। फिर टिप्पणी, जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा वो आपके पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान आपको टिप्पणी देगा। फिर उसके बाद हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने बहुमूल्य कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल से संबंधित लिंक PDF चाहते तो हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, और यदि आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई भी पाठ्य योजना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें हमारे FB पेज पर फॉलो कीजिए और हमें वहाँ पर अपनी डिमांड बताइए। यदि हमारे नॉलेज क्षेत्र में आता होगा तो हम जरूर उसके वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।